हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? बहुत लड़का सब 2-3 दिन से चिल्ला रहा है, सर सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। टाइम मिले नहीं रहा है, तो आज कुछ एक क्लास का छुट्टी मार दिए हैं। क्या है? सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, और सब फोन कर करके परेशान किए हुए सर, काहे छुट्टी है, काहे छुट्टी है ना। चलिए सॉल्यूशन देते हैं, जो भी बनता है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, कम से कम टाइम में, जो भी हमारा टाइम टेकिंग होगा बहुत कम होगा, ताकि अपलोड करने में हमारा इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन उतना टफ उप नहीं है, डरिए नहीं, एकदम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। टिक मारिए, एक नंबर मिल गया, टिक मारिए, एक नंबर, पूरा एग्जाम में टॉप। चलिए तो निकालते हैं, क्या कि मेरे पास जेरोक्स लाना, हम कोचिंग से भूल गए। ठीक है, तो रूम पे है नहीं जी, तो मेरे पास जो भी मोबाइल में फोटो खींचा हुआ है उसी के माध्यम से हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेन कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया। हाँ चलिए, तो देखिए बनाते हैं। बोला है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो, जेड अक्ष में हो तो सम विभव हमेशा जेड में है, तो वाई एक्स और वाई में हो जाएगा। तो हमारा पहला का आंसर ए। चलिए दूसरा, दूसरा जो है प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 बूंदों की को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, जो बड़े बूंद की स्थिति जो या प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये एक छोटा बूंद है, 8 को बनाना पॉसिबल नहीं है, 4 को बना रहे हैं। ठीक ना, इधर समझ लीजिए 8 और है। ठीक है, 8 और है, एक मिला दिए ना, तो एकदम बड़का बूंद ऐसे बन गया, बड़ा वाला। सबका बोलिए काची है, त्रिज्या बोलिए जी, सब बोला चिल्लाया आर है सर, बोले आर। ठीक है, सबके आवेश काची है, बोले क्यू है। ये क्वेश्चन एकदम टू कॉपी, भूलिएगा नहीं, बड़ी मार मारेंगे एकदम। क्वेश्चन ये वाला कॉपी में है, ये पढ़ते उठते नहीं है। अरे ठीक है, तो क्यू है, मान लेते हैं, अब जब क्यू है तो 8 को है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 क्यू। बहुत लड़का खुश हो गया सब। ठीक है, इसका त्रिज्या बोलिए, बड़ा सर। ठीक है, चलिए चलिए अब ध्यान से देखिए। अब दोनों का आयतन क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, याद है ना। तो जब दोनों का आयतन बराबर करेंगे तो इसका हो जाएगा एगो का कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा क्लास का मैथ है जी, सब बच्चा वाला चीज है, 4/3 पाई आर क्यूब। के गो का, एगो का 8 गो का सर, 8 से गुना, इसका कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, कट गया आर, बोली आर कितना हो गया, R=2R। क्या कोई दिक्कत, देख लीजिए मैथ का चीज है जी, देखते रहिए पॉज करके। चलिए अब ध्यान से देखिए, आर हमारा पता चल गया 2R, तो हमको इसका धारिता अगर निकालना होगा, इसका धारिता तो सी बराबर होता है 4π एप्सिलॉन नॉट, बड़का वाला का निकाल रहे हैं, तो 4π एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी बराबर बोलिए 4π एप्सिलॉन नॉट 2R। ठीक है, 4π एप्सिलॉन नॉट 2R। छोटका का कितना होगा, छोटका का होगा, छोटा वाला का होगा सी बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट छोटका। तो ये जो बड़का वाला है सी, बी से बिगर वाला, ठीक है, ये तो देखिए पहला वाला के दुगना हो गया है, दुगना हो गया है, तो सी बी बराबर हो गया है, सी बी बराबर कितना, दुगना हो गया, याद रखिए ये दुगना है, धारिता इसका दुगना हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम इसका विभव का बात कर ले, विभव इसका कितना हो जाएगा, छोटका कितना हो जाएगा, छोटका का बहुत लड़के चला सर, छोटका के क्यू बट्टा में आर, बोले बहुत बढ़िया जी। बड़का कितना हो गया, तो बड़का का सर भी बराबर के क्यू है, 8 क्यू आवेश है, 8 क्यू और बट्टा में त्रिज्या है, अब ये ना त्रिज्या बोले एकदम सिंपल सिंपल चीज है, 2 से कितना 4, तो सब बोले सर भी बराबर 4 क्यू बट्टा में R, मैंने कि 4 k³/r, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो अगर इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, बड़का का आप देखते हैं कितना गुना हो जाता है, तो बड़का का हो जाएगा हाफ, इसका कितना हो गया, सी कितना गया, सी कितना गया, सी इसका हाँ कितना हो जाएगा जी, 2c इसका हाफ, दुगुना हो गया है, और जो इसका विभव हो गया बड़का, बोलिए 4, तो इसका स्क्वायर ना दिया, सी भी स्क्वायर ना होता है, बेवकूफे हैं, तो का भी वाला निकालिएगा, तो 4 k³/r, तो इसका कितना हो जाएगा, भी
तो कितना हो जाएगा, चार का स्क्वायर कीजिए करेंगे तो 16, और 16 के क्यू आर कितना यहां से हम निकाले, के क्यू आर भी है तो भी का स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर कीजिएगा। तो अब देखिए 16 दूनी कितना हुआ 32, मतलब हाफ सी भी स्क्वायर इंटू 32, मतलब हो गया 32 गुना। देखिए तो ऑप्शन है 32, रुकिए देखे दीजिए अब हमको, हाँ 32 है तो आपका दूसरा का आंसर मान लीजिए ठीक। चलिए अब मिटाते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा हमको। चलिए तीसरा देखें, तीसरा का सॉल्यूशन, तीसरा का जो सॉल्यूशन हो जाएगा कि बोला गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत 6 वाला परावैद्युत भरना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाइए, समांतर प्लेट संधारित्र ठीक है, और इसका पहले बताइए कि धारिता कितना होता है। तो इसका धारिता होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें हम परावैद्युतांक डालते हैं तो इसका धारिता हो जाएगा, अब बोलिए कितना हो जाएगा, सी डैश बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के गुना बढ़ जाता है, कॉपी खोल के देखिए पीछे में के गुना बढ़ जाता है। तो चलिए कितना डाला है, सी डैश बराबर बोलिए कितना है के कितना है 6, अब बोला गया है 6, उसके बाद बोला गया है कि परावैद्युतांक 6 डाल दिया है, उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर दीजिए, मैंने दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी कितनी गुनी कर दी जाए, और बताइए कितनी दूरी कितनी गुनी कर दी जाए देने पर धारिता पूर्वता बनी रहेगी, मतलब इसका धारिता इसके सेम रहना चाहिए ठीक है। तो धारिता हम कह सी डैश मान लिए, सी ये मानेंगे ठीक है, क्योंकि दोनों का धारिता बराबर रखना है। तो चलिए सी बराबर के कितना हो जाए 6 और एप्सिलॉन नॉट ए, और दूरी कितनी होगी कि इसका धारिता हमेशा धारिता जो है इसके साथ सेम रहेगा, तो हम दूरी को मान लेते हैं डी डैश। अब दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को कर देंगे, पहला हो गया दूसरा हो गया, दोनों को डिवाइड मारिए तो सी बाई सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होल डिवाइडेड बाई बोलिए 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश, ये बोलिए क्या हुआ, कट गया सब डी डैश नहीं ई वाला कट गया ठीक है। तो सी बाई सी कितना हो गया 1 बराबर, इधर में क्या बचा हुआ 1 बाई डी, और इधर में क्या बचा हुआ 6 बाई डी डैश, तो 6 बाई डी डैश इधर पे किए तो 6 बाई डी डैश बराबर हो जाएगा 1 बाई डी। तो यहां से डी डैश बराबर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6d, मतलब जो हो जाएगा 6 गुना, तो देखिए तो है आंसर 6 गुना, तीसरका का ए 6 गुना ठीक है। तो तीसरका का ए मान लीजिए ठीक। चौथा देखिए, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वायु क्षेत्र की तीव्रता होगी कितना, वो कौन बच्चा जाता है जी 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए टिक 0 ठीक है। विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर कितना, बार बार बोल बोल के थक गया है जी ठीक है, अब तो एक को बच्चा को याद हो गया होगा, तो चौथा का मार दीजिए 0। पांचवा ये समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पर अवैधुत पदार्थ डालने पर, अब ये ना बताएं जी धारिता का होगा, पहले ऐसे था कुछ नहीं डाला गया, तो धारिता बोलिए सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन जैसी अगर अब क्या करेंगे इसमें पर अवैधुतांक डाल दीजिए तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये के गुना बढ़ जाता है ठीक है, तो ये बढ़ जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती है। तो पांचवा का मार लीजिएगा ए, छठा का सी बराबर होता है, सी एक नियतांक होता है जो कि होता है क्यू बाई भी ठीक है, तो छठा का कुल आवेश बट्टा में विभव मार लेंगे, तो छठा का ये मार लीजिए, चलिए 6 हो गया। अगला देखते हैं सातवां, वायु क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बताइए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन लग रहा है, गलती दिया हुआ है, तो डब्ल्यू बराबर एम ई दिया हुआ है पी वन माइनस कॉस थीटा ठीक है, तो इसको टिक मार लेंगे। अगला देखेंगे, यदि समतल, वही पहला वाला क्वेश्चन है, यदि विद्युत क्षेत्र कहां एक्स अक्ष में है तो बताइए कितना हो जाएगा, विभव किधर होगा एक्स है ना, तो वाई जेड, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाई जेड, तो सातवां का मार लीजिए सॉरी आठवां का मार लीजिए सी, नौवां का, अब नौवां का देखते हैं,
नौवा का जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इनके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो केंद्र पर कितना होगा? अरे इसका पूरा एक गोला है तो इसका 10 वोल्ट है, तो अंदर में तो वोल्टवा सेम ही ना रहता है, बदल जाता है। बोले नहीं थे विभव अंदर में नियतांक रहता है, नियत रहता है, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। बोले थे ना कि इट ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, हमेशा सेम रहता है, चेंज करने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो इसको 10 वोल्ट टिक मार लेंगे क्या कि विभव 10 दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 5 माइक्रोफ़ारड, अच्छा 5 माइक्रोफ़ारड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोमीटर से 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तो सी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, अरे फराड दिया मतलब धारिता, वोल्ट मतलब भी, 20 किलो वोल्ट मतलब क्या वोल्टेज, तो हम करेंगे हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी का मान बोलिए जी, पासवर्ड ना लगा दिए बार बार यही खोलना पड़ेगा। चलिए तो हाफ सी, सी का मतलब आपका हो जाएगा 5 माइक्रोफ़ारड, तो 5 माइक्रो माने 10^-6, ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है जी 20 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट मतलब किलो माने 10^3 हो गया। अब काटिए दो से कितना, दो से 10 × 5 जी 10 × 5 करना है, तो 10 × 5 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा दो से दो कट, दो से कट गया 10, इसका स्क्वायर कौन करेगा जी एकदम, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर से बन जाएगा, ये देखिए हाफ ये सी है और वोल्टेज जो है जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट, तो 20 किलो बदलिए 10^3 है इसका स्क्वायर, जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर मार लीजिएगा, आंसर हो जाए A = 1 किलो जूल, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलो जूल आंसर होगा। चलिए यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा घट जाएगा, अरे जानते नहीं है, दो आवेश के बीच दूरी बढ़ा दिया गया, अब बताइए नहीं रहा है कैसा आवेश है, प्लस है माइनस है, अब कुछ बोलिए नहीं रहा है, प्लस माइनस आवेश है, तो यहां पे आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो होगा क्या, यहां पे आंसर दोनों हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट सकता है क्योंकि आवेश के बारे में बताया नहीं गया है, मतलब आंसर हो जाएगा 11 का D, किसे संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, बताइए संधारित्र की धारिता, तो यहीं से पकड़िए ना जी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो बोलिए व्युत्क्रमानुपाती किसके दूरी की, अब देखते हैं ऑप्शन है क्या, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतता, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती दिया है ना, हाँ, तो किस संधारित्र की धारिता हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो इसको टिक मार लेंगे। चित्र में ए पर आवेश होगा, आवेश होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, एक चित्र बना हुआ है जी, चित्र हम बनाए कि आपका तो आपके पास जो जेरोक्स होगा उसमें तो चित्र बना ही होगा, तो देखिए ध्यान से, तो जेरोक्स लेके बैठे है ना कि फिल्म लगाए हुए है आ देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, इधर से कुछ कॉपी उपी जो जेरोक्स दिए है वो लेबे नहीं किए है ना, जेरोक्स लेके बैठी अट्टी को मारते रहिए समझते हुए, ठीक है, कॉपी खोल के रखिए फिजिक्स का, ठीक है। अगले किसी विभव मापी की जो नहीं विभव मापी बोल रहे हैं 13 नंबर में ना है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा, आवेश होगा, आवेश मतलब आवेश निकालना है, तो आवेश मतलब जनवे करते हैं जी क्यू बराबर बोलिए सी भी धारिता कितना दिया है 2 माइक्रोफ़ारड और विभवांतर बोलिए 20 में से 15 गया 5 तो 2×5 = 10 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफ़ारड हो गया। चलिए 14 अभी हम पढ़ाए नहीं है, 14 में विभव मापी वाला चीज हम बताए नहीं अभी, अब आइए 15 में हमको ठीक से दिखाई नहीं रहा, फोटो खींच दिया दूर से, अब दिखाई नहीं रहा है क्वेश्चन हुआ क्या है, अब देखते फिर भी कोशिश करते हैं, यहाँ पे कितना है, ये है आपका 1 है कि 3 है देखना पड़ेगा, 1 है 2 है शायद, ठीक है, अब जो भी हम हिंट दे देते हैं जी हमको दिखाई नहीं दे रहा, 1 माइक्रोफ़ारड है और यहाँ पे शायद से 2 माइक्रोफ़ारड है,
ठीक है, एक माइक्रोफराड, दो माइक्रोफराड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है, बोलिए कितना है, चार माइक्रोफराड, चार माइक्रोफराड। तो अब हिंट दे देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे एक हो या तीन हो, इसी में कॉन्फ्यूजन है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए हम क्या बोले, सिंपल सा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, हमको लग रहा है तीन होना चाहिए, तीन माइक्रोफराड। तो तीन दो कितना, पांच माइक्रोफराड। तो पांच माइक्रोफराड इन दोनों का हो गया, इन दोनों की जगह पे हम क्या कर देंगे, पांच माइक्रोफराड लगेंगे। तो ए की जगह पे ये हो गया पांच माइक्रोफराड, और इधर में कितना है, चार माइक्रोफराड। तो दोनों अलग अलग है ना, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हम क्या सॉर्ट कर दिए, सीवन सी टू बटा में सीवन प्लस सी टू। तो बोलिए पचो के बीस, पांच चार नौ, बहुत सिंपल है सर, बीस बाई नौ। आंसर कितना हो जाएगा, बीस बाई नौ। चलिए अगला, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान दिए जाते हैं तो विभव। तो इसका आंसर देख लीजिए, कॉपी में करवाया, थ्योरी में देख लीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एक वो है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है, बल निकालना है, तो प्लेटों के बीच, तो दो को प्लेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बल। पहले तो हम देखेंगे आकर्षण बल, एफ बराबर क्यूई, तो दो है क्यूई बट्टा में टू हो जाएगा, क्या कि दो है तो बट जाता है, ठीक है, क्यूई बट्टा में टू। तो एफ बराबर क्यू फॉर्मूला जानते हैं, दो समांतर प्लेट मतलब एफ बराबर क्यूई बट्टा में टू, आधा आधा, ठीक है, क्या कि दो प्लेट है। अब ध्यान से देखिएगा, एक इंजीनियर वाला फॉर्मूला बताया ना, बीज इक्वल टू बोलिए ई आर, हाँ सर जानते हैं, तो इज इक्वल टू बी बाई आर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, थोड़ा तेजी में बता रहे जाते हैं, क्या कि अब इतना बताएंगे तो पांच घंटा लग जाएगा एकदम आराम से, इसीलिए थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, आप देखते रहिएगा और रिपीट कर करके देखिए या नोट्स को पढ़ते रहिए तो ज्यादा समझ में आएगा। इज इक्वल टू बोलिए वी बाई आर, तो टू आर हो जाएगा। और यहां से क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा, Q हो गया, V हो गया, 2 बाई आर हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, V हमारा हो गया, अब निकाला क्या है, Q के रूप में निकाला है। तो हम जानते हैं Q बराबर बोलिए CV, तो V बराबर Q बाई सी, अच्छा Q बाई सी, तो हो जाएगा F बराबर, यहां से Q बाई सी रखेंगे तो Q Q बाई सी, तो Q स्क्वायर बट्टा में 2 आर सी, ठीक है। C बराबर क्या होता है, C बराबर सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो मुझे अच्छा, तो लिखे ना जी यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर टू आर सी, एप्सिलॉन नॉट ए पट्टा में, देखिए हम दूरी को आर माने, उसमें डी माना होगा या जो भी माना होगा, हम दूरी को आर मान रहे हैं, तो आर ऊपर चला गया, आर आर कट गया, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा में टू एप्सिलॉन नॉट ए। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू बट्टा में टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्यू स्क्वायर पट्टा में टू एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगला देखते हैं, तो इसमें त्रिज्या एक दो चालक से युक्त है, दोनों पर समान आवेश एक मिली, तो विभव भी नॉट है, अनंत पर विभव शून्य है, दूरी के संपर्क में लाने में किया गया कार्य, यह हमेशा क्या हो जाएगा जी, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा, किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो इसको टिक मार लेंगे धनात्मक। 18 का बी, 19 का देखिएगा, त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धारा की वो समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान है छल्ले के केंद्र पर, तो विभव का फॉर्मूला है, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बट्टा में आर, के का मान बोलिए एक बट्टा में चार बाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, तो ऑप्शन होगा आपका ए, क्यू फोर बट्टा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा में आर, तो क्यू बट्टा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आर्टिक मार लेंगे, तो ये वाला छोड़ दीजिएगा, 20 नंबर नहीं है इसमें, 20 नंबर नहीं करना है। अब आइए देखते हैं 21, मिल जाए 21 नहीं मिल रहा है जी, 21 हाँ, चलिए 21 को छोड़ दिया, वो भी पिछले क्वेश्चन का रिलेटेड है, ये सब चुंबक में पढ़ना इसमें दे दिया गया है, इसको छोड़ देंगे। 22, किसी सम विभव तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो पूरा पहला नोट सम विभव जब पढ़ा रहे थे तो उसका गुण पढ़िए, लिखा गया किया गया कार्य हो जाएगा शून्य,
तो आंसर हो जाएगा 22 का सी, तो 22 का सी मान लेंगे। 23, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का घूर्ण जो है पी बराबर पी आई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है प्रिंटिंग में, पी बराबर पी आई, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया पी बराबर पी आई, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें विद्युत क्षेत्र बोलिए नहीं रहा, विद्युत क्षेत्र छोड़ दिया, टाइपिंग कर रहा है थोड़ा मिस्टेक कर देता है, क्या करेगा, पीटीए नहीं ना जी। चलिए तो इसी के साथ ई बराबर इसमें दिया होगा जरूर, या तो पी बराबर पी आई और ई बराबर दिया होगा E नॉट J में दिया होगा, तो IJ, I किसको दिखाता है, X अक्ष को, J किसको दिखाता है, J किसको दिखाता है आपका Y अक्ष को, तो ये X और Y के बीच में 90 डिग्री, तो हमारा विद्युत स्थितिज क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P cos थीटा, ठीक है, तो PE जब थीटा ही 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय नंबर H कितना, कॉस 90 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, तो हो गया आपका कितना आंसर जीरो, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शून्य। 24 नंबर अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष, तो ये तो खुद से कर सकते हैं जी, हिंट दे देते हैं, कर लीजिए आपने, ठीक है, 24 एक्स अक्ष पर, ये वो एक्स अक्ष है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर जीरो पर क्यू आवेश है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया क्यू आवेश है, तथा x बराबर a, एक x बराबर a है, ये यहाँ पे a है, ये जीरो है, ये x बराबर a है, और पर 2q, 2q आवेश रखा गया है। विभव b का मान शून्य होगा, कहाँ पे शून्य होगा, तो देखेंगे क्या मान लेंगे, ये बिंदु है कहीं, ठीक है, और इस पे इसके चलते विभव, इसके चलते विभव, दोनों निकालिएगा, दोनों को जोड़ के बराबर कर देंगे जीरो, आपको पता चल जाएगा कौन सा बिंदु पे, इसके चलते मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा सर ए, ये हो जाएगा, तो ये बिंदु ले लेंगे मान लेते हैं एक्स दूरी पे, तो इसके चलते यहाँ पे विभव निकालेंगे, इसके चलते यहाँ पे विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के बराबर कर देंगे विभव जीरो। अब देखिए कोई स्टूडेंट का फोन आ गया, आज बोलिए, नहीं आज बैच नहीं खुला हुआ है, ठीक है, चलिए हो गया, अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हो गया, अगला देखिए बात, तो 25 नंबर पूछा गया है, तो 25 नंबर अगर किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया, P पर विभव भी है, तो P से R दूरी पर आवेश अलग, अरे ये वो Q दिया गया है, R दूरी पर हो जाए इसके चलते Q, ये वो प्लस Q दिया हुआ है, दूरी R दिया हुआ है, तो बोलिए विभव, ये Q by R होता है सर, तो बच्चा बच्चा रहता है, हम बोले ऋण आवेश दिया हुआ है, तो माइनस के क्यू बाई आर, दोनों को बोलिए कितना हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो कट ना जाएगा, बोलिए कितना आंसर जीरो, जीरो विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव जो हमारा हो जाएगा, विभव हो जाएगा पी पर विभव, जो बिंदु पी बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए वहां पे कितना हो जाएगा विभव, शून्य हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, कहा गया हाँ आंसर हो जाएगा आपका शून्य, तो आंसर ए हो जाएगा 25 का ए। उसी प्रकार से 26 का बात करें तो 26 का एकदम सेम क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया, ये माइनस है ना तो ये प्लस कर दिया, तो अब जब विभव करेंगे ना तो विभव दुगना हो जाएगा, तो देखे तो दुगना है 2 बी नॉट, हाँ तो आपका 26 का हो जाएगा बी, ठीक है, और 27 उसी प्रकार से कर लीजिएगा, और कार्य होगा, तो अब चलिए 27 तक हमको याद दिलाइएगा, 27 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और अब थोड़ा हमको जाना है कोचिंग, ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है, और हम कमेंट में लिख दीजिएगा 27 तक हो चुका है, अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे किसी बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आया कोई, ठीक है, तो नीचे में कमेंट करते जाइएगा कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जितना नंबर ऑफ कमेंट्स जिस टॉपिक का ज्यादा होगा उस टॉपिक को अगले क्लास में बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट था हमारा जो सॉल्यूशन था, थोड़ा फास्ट था, ठीक है, बाकी तो बेसिक चीज है जी, खुद से कॉपी में देखिए तो बन जाएगा, तो इसको टिक मार लिए हैं, 27 के बाद अगले पार्ट में देखें, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।